कर्नाटक राज्य शिक्षक संगठन द्वारा कल बेलगाम नगर में शिक्षकों के द्वारा बड़ी रैली निकाली गई। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कर्नाटक शिक्षकों की कई मांगों को बताई। उन्होंने सरकार को यह विनती की कि उन्हें पुराने पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जाए। शिक्षकों की बदली पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और अपनी कई मांगों को सरकार के आगे बताई। उन्होंने यह कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा की जाए और ना करने पर कर्नाटक के पूरे राज्य में बड़ी मात्रा में हड़ताल करने की भी चेतावनी दी। टीचर के ओर से हम आज स्ट्राइक किया जा रहा है। हमारा कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाला शिक्षक का जो संघ है बेंगलुरु में, हमारे टीचर्स का बहुत समस्याओं को दूर करने के लिए हम कोशिश किया है, कुछ समस्या दूर हुआ है। खास तौर पर 2014 से पहले जो टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए हैं उन लोगों को एक से लेकर पाँच तक ही सीमित किया जा रहा है। ये एक अन्याय है, इसका विरुद्ध आज हम प्रतिभटने करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो एनपीएस टीचर्स है उन लोगों को एनपीएस को कैंसिल करना है, और जो हेडमास्टर्स रहता है उन लोगों के लिए अलग सा पेमेंट चाहिए, और जो प्राइमरी स्कूल टीचरों में जो बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हर गवर्नमेंट स्कूल में यूकेजी एलकेजी शुरू करना चाहिए। अभी फिलहाल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बच्चों का हिसाब से टीचर्स को अपॉइंटमेंट रख रहा है, तो ये बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। क्योंकि अगर एक से लेकर सातवीं क्लास का बच्चों में अगर तीन टीचर्स पढ़ाते हैं उन बच्चों को क्या पढ़ा सकता है। इसका वजह से हमारा मांग है कि एक जो सब्जेक्ट का हिसाब से एक सब्जेक्ट के एक टीचर होना चाहिए, और इसके साथ साथ स्कूल का हिसाब के साथ एक हेडमास्टर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को इंक्लूड करके वो कैलकुलेशन कर रहा है। फिजिकल टीचर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर रहता है वो अलग से टीच करता है, और हेडमास्टर है पूरे स्कूल को देखना पड़ता है। उनको कैलकुलेशन करने से वो बच्चों को क्या पढ़ा सकता है। इस वजह से हमारा बहुत सा मांगे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए हमारा जो राज्य का प्रेसिडेंट है कई बार हमारा अफसर के साथ बैठ कर मिनिस्टर के साथ बैठ कर बातचीत करने के लिए कोशिश किया, मगर वो हम नाकामयाब होने के कारण कर्नाटक राज्य में आज हर जिलों में हम लोग इकट्ठा होकर स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो सितंबर 5 तारीख को हम लोग बेंगलुरु में जाके और एक बार स्कूल को बंद करके हम लोग स्ट्राइक करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम एम जी पाटिल, टीचर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट, बेलगाम सिटी। थैंक यू सर।